ये ले बेटा। कितने हो गए भैया? 100 रुपये। अरे हेलो, पैसे तो ले जा अपने। ओए सुन, अरे सुन, अरे 150 हुए, 1000 क्यों दे गया? अरे बेटा 100 पैसे क्यों दे रहा है? भैया उस दुकान पे पैसे दे दिए और ये सामान भी ले आया। ठीक है, अच्छा अब एक काम कर, ये वो दुकान दिख रही है? हाँ। उस दुकान पर जाओ और 50 रुपये का सामान लियो और ये 500 रुपये उसे दिया जाए। ठीक है? ठीक है। तो वैसे भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप मुझे कहते हो कि दुकानों से 50-100 रुपये का सामान ले आ और 500-1000 रुपये देने को कहते हो। आप सामान तो कम ले रहे हो, फिर पैसे ज़्यादा क्यों दे रहे हो? यार आज से कई साल पहले ना मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, उन्हीं को सुधार पाऊँ। मतलब? मैं ना किसी भी दुकान पर जाकर दुकानदारों से ना बातचीत बनाता था, उन्हें 10-20 रुपये एक्स्ट्रा देकर उनका विश्वास जीत लेता था। फिर जैसे ही उनका मुझ पर विश्वास बढ़ता तो वहाँ पर मेरा उधार शुरू हो जाता, और फिर उधार जैसे ज़्यादा बढ़ने लगता तो मैं वहाँ पर जाना बंद कर देता। ऐसा ना मैंने बहुत सारे दुकान वालों के साथ किया, उस गली से भी नहीं जाता था जिस गली में दुकान हो रही थी। फिर ना मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना ये रील देखी। भैया कल मैं आपके यहाँ पर आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन आपने फिर भी मुझे खाना खिलाया, तो उसके पैसे। भैया खुल ले दो यार। अरे यार खुल ले तो नहीं है, एक काम करो आप इनसे किसी और को खिला देना या फिर इन्हें जमा कर लो। भैया माल तो ख़त्म है और मैं ऐसे पैसे जमा कर नहीं सकता हूँ। क्यों? भैया आप ये पैसे आपके जमा कर लिया मैं, और आज रात को कुछ हो गया मुझे, मैं मतलब समझ रहे हो आप, और किसी गरीब की मदद नहीं कर पाया, तो 450 रुपये जमा रह जाएंगे ना आपके, और इसकी वजह से मुझे दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा, इसलिए भी आप खुले दो। ठीक है भैया। इस रील को देखने के बाद ना मुझे लगा मुझ पर ना बहुत सारा भार है, उस भार को मैंने उतारना है। अब मेरी हिम्मत भी नहीं थी उन लोगों के सामने जाने की, कैसे आँख मिलाता, इसलिए मैंने ये सब किया। इससे मुझे उनसे आँख भी नहीं मिलानी पड़ेगी और मेरा भार भी कम हो जाएगा। बस ये मेरी गलतियों को सुधारने का एक तरीका है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया, आपकी बातें सुन के मैंने भी सोच ली है कि जो मुझसे गलती हुई है ना, मैं भी उसे सुधारूंगा। कैसी गलती हुई? सर ये आपका पेन, आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे ना इसे। हाँ। ये मैंने ही लिया था, उस दिन आप ये पेन छोड़ के चले गए थे तो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने इसे ले लिया। सॉरी सर। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जी सर। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, आगे से ऐसा मत करना, ठीक है?